नेत्रों में दोषों को शांत करने वाली कांति आ गई थी। फिर उनका मुख शरद ऋतु के कमल के समान शोभायमान होने लगा। अब ब्रह्मज्ञानी के मुखारविंद की भी महिमा है। वैसे तो भले वो सारी जिंदगी एक बात कहते हैं कि शरीर मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन महापुरुषों के लिए ये बात भी आती है कि तिन जी मिट्टी भी लध्यो मान, उनकी मिट्टी का भी मान है। क्योंकि जैसे सुनारे के घर की राख होती है, उसमें सोने के कण मिले रहते हैं, इसी तरह से जहाँ से खुद खुदा प्रकट होता है उस तन का भी बहुत मान हो जाता है। और चेहरे की जो शोभा है वो तो अपने आप में ही अलग होती है, क्योंकि तुम किसी भी समय उनके दर्शन करोगे, तुम्हें उनका चेहरा बहुत शोभायमान लगेगा, खिला हुआ लगेगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, दुख की हो, सुख की हो, चाहे वो बीमारी के बिस्तरे पर हो अस्पताल में, और चाहे चोला त्याग भी दें, तो जैसे तुम देखते हो संसार में लोगों का जो चेहरा है वो कुमला जाता है, लेकिन कभी तुम इन महापुरुषों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला हो तो नोट किया होगा कि उनका चेहरा और ही खिला हुआ, तेज से भरा हुआ, ओजस्वी चेहरा होता है। कभी भी तुम नोटिस करना ना, उनका चेहरा क्रोध में अपनी शोभा खोएगा, ना किसी और बात में सेंटिमेंटल होके उनके फेस की शोभा खत्म होगी, पर उनका चेहरा हमेशा खिला हुआ एक रस होगा। भले ही बाहर से पीड़ा भी हो, कलम गीता भगवान की तस्वीरें देख रहे थे ऐसे, तो उसमें बीमारी के समय की भी थी। भले ही बाहर से ऐसे देखने में आ रहा था, एक में तो जैसे कमजोरी के कारण ऐसे आंखें भी बंद सी हैं, चेहरा नीचे को किया हुआ है, पर उसके बावजूद भी हम बड़ी देर देखते रहे, इनका चेहरे की कांति नहीं घटी है। वो वही की वही है, शोभा वही की वही है, दर्शन वही का वही है। ऐसे हम लोगों ने कितनी स्थितियों में गुरुजी को भी देखा होगा, घर में चाहे मौत के सीन हुए, चाहे बीमारी आई, चाहे अपना शरीर बीमार हुआ, चाहे लास्ट में दर्शन किए, अंतिम दर्शन, लेकिन चेहरे की जो आभा है वो वही की वही थी। इसका सबसे बड़ा कारण होता है जो उनके भीतर ये सत्य की ज्योत जल जाती है और चित्त निर्दोष हो जाता है। जितना जितना चित्त निर्दोष होगा चेहरे पे खिलावट आएगी। जो अंदर से राग द्वेष से खाली है, जो अंदर से समत्व भाव में स्थित है, जो द्वंद्वी जोड़ों में सम होके बैठा है, उसके चेहरे की शोभा अलग ही होती है, क्योंकि बार बार अप डाउन नहीं होता वो। अगर आप एक शॉल या चादर को भी बार बार खोलो और तहाओ, उसकी भी शोभा घटने लगती है। एक बैलून को फुलाओ, फिर हवा निकाल दो, फिर फुलाओ, हवा निकाल दो, उस पर भी झुर्रियाँ दिखने लगती हैं। ऐसे ही जब हम बार बार मन के गुलाम बनते हैं, अप डाउन, तो उसका भी प्रभाव चेहरे पर ज़रूर आता है। और जो समत्व भाव में रहता है वो एक रस खिला हुआ, आप बना लेते हो अपने को, कहते हो बना लेते हैं,
लेकिन एक मिनट में डाउनफॉल आता ज़रूर है। ज़रा सा मन के अकॉर्डिंग ना हो, ज़रा सा तुम्हें अपने को मोड़ना पड़े, तो वहीं तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ उलझन आ जाती है, चाहे क्षणिक आए, फिर नकली मुस्कुराहट मुस्कुरा के भी बनाते हो अपने को, विचार दे के भी बनाते हो अपने को, लेकिन क्षण भर के लिए सीन हो ज़रूर जाता है। तो वो जो ऊपर नीचे होते हो, उससे भी चेहरे पे सिलवट आ जाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति को देखोगे, भगवान कहते थे उसके चेहरे पर सारा दिन 100 चींटियाँ चलती हैं, क्योंकि अंदर ख्याल ही बहुत सारे हैं। कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, और सोच में पॉजिटिविटी बड़ी कम है, नेगेटिव ज़्यादा सोचता है, सोच में उलझने ज़्यादा हैं, सोच में राग द्वेष के संबंध हैं, सोच में किसी पर क्रोध है, किसी से द्वेष है, किसी से नफरत है, सोच में भी तो सारा समय जगत पड़ा है ना। अगर सोच में भी पॉजिटिविटी हो, सोच में भी तुम्हारे ईश्वर हो, गुरु हो, भक्ति हो, तो वो भी तुम्हें डाउन नहीं जाने देता है। गोपियाँ भी रोती हैं, राधा भी रोती हैं, लेकिन उनके चेहरे कुमलाते नहीं हैं, मुरझाते नहीं हैं। भले बाहर से राधा दिखी उद्धव जी को, बड़ी कमज़ोर हो गई है, पीली पड़ गई है, पर वो फिर भी उनको कहती है, मुझे वियोगिनी मत कहना, मैं नित संयोगिनी। अंदर की खुनकी, भक्ति वाले की, प्रेम वाले की अंदर की जो खुनकी है, वो कभी उसको डाउन नहीं होने देती है। जो अपने परमात्मा से प्यार है, भगवान से प्यार है, गुरु से प्यार है, वो कभी डाउन नहीं जाने देता है। लेकिन अज्ञान में क्या होता है, हम ऐसे अप डाउन होते रहते हैं सारा समय, चित्त में कोई ना कोई दोष, पहले अपने ही चित्त में बड़े दोष हैं, उसके बाद दूसरों के दोष चित्त में रखते रहते हैं, तो निर्दोष चित्त नहीं हो पाता है। और जब तक किसी का चित्त निर्दोष नहीं है, उसके चेहरे पे खिलावट नहीं आ सकती है। चेहरे पे खिलावट उसी के आती है जो अंदर से बिल्कुल निर्दोष चित्त वाला है, ना अपने अंदर कोई दोष है, ना सामने वालों के दोष अंदर पाल के बैठा हुआ है, बिल्कुल मन साफ किया है, मन की स्लेट साफ की है, अपने आप को क्लीन क्लियर किया है, तभी तो खिलावट आएगी। वैसे भी देखो, आप जिस दिन खुश होते हो, लोग कहते हैं क्या बात है आज बड़े दमक रहे हो, मतलब चित्त की प्रसन्नता आपके चेहरे को दमकाती है। तो ब्रह्मज्ञानी जो सदा चित्त से प्रसन्न है, उसका चेहरा शोभा पाता है। और तुम सारा दिन कुछ ना कुछ उल्ट पुल्ट सोचते हो, तो ऐसे कुमलाए घूमते हो। यंग एज में देखो, खास तौर पे बच्चों के चेहरे कितने शोभायमान होने चाहिए, खिले हुए होने चाहिए, पर आजकल तुम सबको देखोगे पिचके हुए, विचार गलत, सोच गलत, विषय वासनाओं का ख्याल, राग द्वेष की बातें, सबके पास कचरा पट्टी है। और पहले यंग एज में जाते थे गुरु के पास, गुरु का ज्ञान लेते थे, गुरु का संग करते थे, अंदर खिलावट आती थी। कितना यंग एज में तुम अवतारों के चेहरे देखो, राम का वो दिखाते हैं टीवी में, भगवान कृष्ण का दिखाते हैं, यंग एज में उनके चेहरे कैसे लगते हैं। बल्कि आज तक आप लोग अपने घर में उनकी यंग एज की फ़ोटो भी लगा के रखते हो, शोभा देते हैं ना, बुढ़े हुए ही नहीं वो कभी, क्योंकि उनके चेहरों की गरिमा कभी ख़त्म नहीं हुई, उनके चेहरे हमेशा शोभायमान रहे। आप लोग सत्संग भी सुनते हो, इसमें भी इतने कन्फ्यूजन पाल लेते हो, इतनी टेंशन्स पाल लेते हो, सारा दिन चेहरे पे टेंशन ही टेंशन। हम कभी कभी पकड़ते हैं किसी को कि तुम सारा दिन इतने कन्फ्यूज्ड माइंड क्यों घूमते हो, क्या हो गया है, क्यों परेशान हो, सत्संग को भी बोझ बना लिया, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। अरे एक समाधानता रखो अपने पास, मन में कोई विचार टिकने मत दो, शांति रखो, समाधानता हो ना,
अब आ गया विचार, उसका तो कुछ कर नहीं सकोगे, लेकिन समाधानता है तो विचार काटा जा सकता है और चिंतन खत्म किया जा सकता है, कंफर्टेबल हुआ जा सकता है, वो चेहरे की हंसी भी गुम हो जाती है। क्या हो गया तुम्हें? बना रहा हूँ अपने को, सारा दिन ना बना रहा हूँ। ऐसे बन जाओगे, इतने सालों से जो बना रहे हो, रो के पिट के दुखी हो के टेंशन करके मुंह बना के बन गए। कोई नहीं बनता ऐसे। उल्टा प्रसन्नचित व्यक्ति को मैं शीघ्र मिलता हूँ। थोड़ा हंस लिया करो, थोड़ा मुस्कुराया करो, लाइट मूड में रहा करो, हंसकर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। तुम ऐसे सारा दिन अपने को घोटते रहते हो तो एक समय आएगा अपने जैसा बदनसीब ना समझोगे किसी को, और गुरु कह रहे तेरे जैसा सभागा ना हुआ ना होगा, तो तुम गलत करते हो ना अपने साथ। मनन का भी सही तरीका होना चाहिए। गंभीरता का ये मतलब नहीं कि अपने चेहरे पे सारा दिन ऐसे 12 बजा के उदासी मायूसी रख के आंखों में आंसू भर के, कोई मूवी की शूटिंग थोड़ी चल रही है। भाई डायरेक्टर ने कहा है आपने पानी का घड़ा सिर पे रखना है, लड़खड़ाती चाल चलनी है, आंखों में आंसू भरने हैं, एक बच्चा यहाँ कमर पे उठाना है, पति चला गया है, बाल खोल लेने हैं, सफ़ेद साड़ी पहन लेनी है, तो पिक्चर की शूटिंग है क्या ये? भाई मनन में गुरु ने कहा गंभीरता रखने की है, तो हम ऐसे गंभीर हो गए। अपना जॉली नेचर कभी नहीं खोना चाहिए, हमेशा जॉली मूड में रहो, लाइट मूड में रहो। गंभीरता भीतर की होती है, जिसमें सावधानी होती है, और जिसमें तुम सारा दिन उलझे रहोगे ना, उसमें मनन नहीं हो रहा, बल्कि एक भार बढ़ता जा रहा है। एक समय थक जाओगे, सत्संग से भी थक जाओगे, एक समय परेशान हो जाओगे अपने भारीपन से भी। भारीपन नहीं होना चाहिए, उल्टा जिसके साथ बैठोगे ना उसको भी भारी कर दोगे, क्योंकि ऐसा दुखड़ा सुनाओगे। अब देखो ना, कई लोग होते हैं घर से दुखी, थोड़ी देर बैठ जाओ तुम्हारा ही मूड बिगड़ जाता है, ऐसे लगता है बेचारी इतनी दुखी है, वो अपनी बातें ही डाल गया तुम्हारे अंदर। अब तुम्हारा मनन ऐसा होगा तुम सबको दुखियारा जीव बना दोगे। सत्संग भी करने जाओगे वहां भी दुखियारे जीव इकट्ठे कर दोगे सारे, ना कोई हंसेगा ना कोई बोलेगा, और मेरे को तो टेंशन ही हो जाएगी जाके ऐसों के बीच, क्योंकि हमको तो गुरु ने सिखाया नहीं। उन्होंने हमेशा बोला चेहरा तुम्हारा कमल की तरह खिला हुआ हो, मुस्कुराहट हो। बोलते थे जो देखे तुम्हारा दर्शन करे ना तो वो भी खुश हो जाए। हम लोगों को चक्कर भी आता है ना, हम तो भी मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के पकड़ते हैं किसी की बाजू भी, कोई बात नहीं। फिर लोग बोलते कुछ हो रहा है, हम बोलते कहाँ हो रहा है, देखो मस्त हो रहे हैं। उनको तो गुरु ने ऐसा सिखाया था। वो तो पूछते थे कितना भी दर्द टांग में है या मुंह में, भगवान टांग में, तो ये क्यों नहीं हंस रहा, इसको हंसाओ, ये 32 बार निकालो। हमेशा ऐसे सबको एनकरेज करते थे, मुस्कुराने के लिए भी एनकरेज करते थे कि हमेशा मुस्कुराते रहो। बोले जब तुम जाते हो मंदिर में तो भगवान की स्माइल कैसी है, कितनी प्यारी स्माइल होती है ना, तभी तो दर्शन करने का मन करता है। अच्छा अभी सत्संग में आते हो, अभी भगवान के जितने स्वरूप लगे हुए हैं देखो, हर एक में स्माइल है कि नहीं है, कितनी लाइवली स्माइल है, ऐसे लग रहा है अभी बोलेंगे अभी बात करेंगे। कोई फोटो देख लो उनका, कोई स्वरूप देख लो, ऐसे लग रहा है बस अभी बात करने ही वाले हैं, अभी बोलने ही वाले हैं, जैसे कितनी प्यारी स्माइल है। और कभी कभी भजन के टाइम आंख अटक जाए ना, हटाने को दिल ही नहीं करता, आंख बंद कर लो तो ऐसे वो मुस्कुराती छवि सामने आ जाती है। तो यही तो भगवान की पहचान है, एवर स्माइलिंग, एवर इन मूड, एवर फ्रेश, एवर यंग। तुम्हें क्या हो गया, जवानी में बुढ़े हो गए हो, एवर यंग की जगह तुम ओल्ड होके चलते हो। मैं ना बड़ा मनन कर रहा हूँ, मन से बड़ा दुखी हूँ। मन से पहले दुखी हो, ऊपर से उदास होके और बैठे हो, मन और चढ़ाई करेगा। एक उठा डंडा, मन को निकाल बाहर। इतनी प्यारी समाधानता, इतना प्यारा सत्संग हमें मिलता है, उसके बाद हमें निराश होने की, बुझने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत है? तो अच्छी तरह रहो,
यहां भी कई लोग रहते हैं, पूछते हो फलाना बात करता है नहीं, वो तो सारा दिन टेंशन में घूमता है। क्यों टेंशन में घूमते हो? इतने लोग आते हैं बाहर से, किसी से बैठे, किसी से हंसे, किसी को खुश किया, किसी को सेवा बहुत कर देते हो, रोटी मांगे, कोई पानी मांगे, लेकिन कभी कभी ऐसों की सेवा भी भार लगती है। भाई ये इतना दुखी व्यक्ति मेरे लिए पानी ला रहा है, गलती तो नहीं कर दी इससे पानी मांग के? इतना दुखी व्यक्ति बेचारा खड़ा होके चाय बना रहा है, लगता है इसको तो खुद पहले चाय की जरूरत है, बिठा के इसको पिलाओ चाय। तो ऐसे अपने लिए परेशानियां मत खड़ी करो, चेहरे को स्माइलिंग मजबूर करो अपने को। दादाजी बोलते थे आईने के आगे खड़े हो जाओ और अपने को मुस्कुराने पर मजबूर कर दो, मजबूर करो मुस्कुराने पर अपने को। यही तो अच्छी बात है, भगवान की खुशी हंसी यही सब बातें तो फिदा करती हैं। माता भले बहुत वैराग में रहते थे पर चेहरे की जो खुनकी थी और स्माइल थी हमेशा प्यारी लगती थी। खनक होती है ब्रह्मज्ञानी की हंसी में भी खनक होती है। जितना चित अंदर से साफ हो जाएगा ना, निर्दोष हो जाओगे अंदर से, देखोगे तुम्हारी हंसी में भी खनक आ जाएगी। आपकी वो हंसी, याद है भजन गाते हैं, आपकी वो हंसी जैसे घुंघरू बजे। फिर क्या कहते हैं, अर्ज क्या करते हैं गुरु को, आप ऐसे ही हंसते रहा कीजिए। आपकी जो ये हंसी है ना, इतनी प्यारी है, लगता है जैसे घुंघरू बजे, बस आप ऐसे ही हंसते रहा कीजिए। हम बैठते थे भगवान के पास कमरे में, इतने ठाके मारते थे वो, हम उल्टा थोड़ा संभाल के हंसते थे, वो खुल के हंसते क्यों नहीं हो, आपके सामने थोड़ी बेअदबी लगती है, लेकिन वो ऐसे खुल के ठाके लगाते थे। नीना मम्मी के ठाके सब याद करते थे बॉम्बे में, इतना जोर से ठाका मार के हंसते थे। तो क्या चला गया, उल्टा हमें तो जीवन में भगवान मिला, ज्ञान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला, बंधन तुम्हारे कट गए, गुरु के पास तुम रह रहे हो, मेहनत गुरु तुम्हारे लिए इतनी कर रहा है, उसके बाद तुम हंसते क्यों नहीं हो, क्या हो गया? हंसो, हमेशा खुश रहो, हंसा करो कि संजीदगी अच्छी नहीं होती। बुझे हुए दीपक की कोई जिंदगी नहीं होती, बुझे हुए व्यक्ति की भी जिंदगी नहीं होती, बुझने की जरूरत नहीं है। खिले रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा आनंद में रहो। कोई बात नहीं, सबके साथ है अप डाउन, चल रहे हैं ना अभी हम लोग इस मार्ग पर, तो क्या हुआ, कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, तो झूला है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, क्या हो गया? अभी अभी हम आ रहे थे, पैर थोड़ा लड़खड़ा गया, इधर की इधर चले गए, हम बैठ के हंस रहे थे, मैंने कहा हम तो पूर्व में जाते हैं, पश्चिम की ओर चले जाते हैं, अपने आप एंजॉय करते हैं, पैर अपने आप ही चले जाते हैं उधर, क्या हो गया, लड़खड़ा गया एक मिनट के लिए, हाय पैर लड़खड़ा गया, कमजोरी आ गई, मेरा बीपी लो हो गया, इतनी टेंशन की क्या जरूरत है, वो झोंका भी एंजॉय कर लिया, हंसी आ गई कि वाह भाई पूर्व में चलते हैं पश्चिम में जाते हैं, और अच्छी बात है, हुक्म से चलते हैं, भगवान को घोड़ा जहां मोड़ना है मोड़ लेता है, रोने की क्या बात है इसमें, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यही पैर सीधे भी तो चलते थे, थोड़ा सा बेचारे टेढ़े चले गए तो इनको कोसने बैठ जाए क्या, एक ही कदम तो चले बेचारे ऐसा, बाकी तो मेरे कहने में चले आ रहे हैं। अच्छा अच्छा सोचा करो, अच्छी अच्छी बातें किया करो, सारा दिन बैठो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी अपने में भरो, पॉजिटिव एनर्जी सामने वालों के अंदर भरो, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होके चलो, अपने अपने में ना खो जाओ। ये भी नहीं कि खोए रहो, बस मैं तो अपना कापी पेन लेके, अच्छी बात है अपनी साधना करो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ समय सबके साथ हंसो, बोलो, मुस्कुराओ, एंजॉय करो, एंजॉय कराओ। वो बच्चा बेचारा छोटा नीचे लेटा पड़ा, इधर बाप बैठा है, इधर माँ बैठी है, एक के हाथ में मोबाइल है, एक के हाथ में आईपैड है, बच्चा बेचारा देख रहा है, कहता है लगता है इन्होंने मेरे को भी डाउनलोड करके साइड रख दिया। तो आजकल क्या हो गया है,
सबके पास मोबाइल है, दो लोग भी घर में कमरे में बैठे हैं ना, अपना अपना मोबाइल, अरे दूसरे व्यक्ति से हंसो बोलो कोई बात करो, नहीं वो उसमें, पता नहीं उसमें क्या है ऐसा जो सामने बैठा है उसमें नहीं है, क्या है उसमें ऐसा, कोई तस्वीर भेज देगा, कोई वीडियो भेज देगा, कोई कुछ भेज देगा, भाई उसमें ऐसा कुछ है कि सामने वाला व्यक्ति इग्नोर हो रहा है, उसकी तरफ ना देख रहे हो, ना उससे बात कर रहे हो, ना उससे हंस रहे हो, ना उसका हालचाल पूछ रहे हो, सारी आंखें वहीं गड़ी हुई हैं, क्या है इसमें भैया, हटाओ इसको, अब और कुछ नहीं मिलता, यहाँ चलो हम अलाउ नहीं करते मोबाइल, तो यहाँ फिर तुम्हें कॉपी पेन मिल गए सबको, अपनी अपनी टेबल लेके, हम तो अच्छा करते हो, समय नहीं खराब करते हो, लेकिन पढ़ाई में से भी 15-20 मिनट तो अपने को एंजॉय करा ही लेते थे ना, तो थोड़ा सा पढ़ाई में से निकल के हंसो बोलो, कोई आया है बाहर से उससे मिल लो, बात कर लो, हंसी की आवाज सुनाई देनी चाहिए तुम्हारी, जिस घर में बच्चा होता है ना उसमें अगर रोने की आवाजें आती हैं तो किलकारियों की भी आवाजें आती हैं, चलो तुम साधक हो भगवान के बच्चे हो, रोना तो सारे दिखाते हो, तो किलकारियां भी तो सुनाई दें कभी हमको घर में, कि भगवान के बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, उसके लिए चित निर्दोष चाहिए, जरूरी वाली बात है। देखो जहां जरूरत है वहां अपने को बना लो और फिर अपने रास्ते चल पड़ो। आज मान लो कहीं से उंगली भी उठती है, कोई हमारा दोष बता देता है, उंगली उठा देता है, अब उंगली उठी तो क्या हो गया, अपने आप को इतना बनाओ उठी हुई उंगली अपने आप नीचे आ जाए, तुम क्या करोगे, उंगली किसने उठाई मैं उसको सफाई दूंगा। सबसे पहली बात, जब अंदर गलती नहीं होती बात लगती नहीं है, सफाई देने की जरूरत ही नहीं होती, सफाई देना चाहते हो मतलब तुम्हें भी पता है तुम गलत हो, तुम जानते हो, और जानते हो गलत हो, ज्ञान के अकॉर्डिंग आचरण नहीं है तुम्हारा, तो अपने आप को बनाने का संकल्प कर लो, दूसरे का मुंह तोड़ के क्या कर लोगे, किसने उंगली उठाई मैं उससे बात करूंगा, क्या बात करोगे, फिर झूठे पर्दे डालोगे ना, अपने से देखो थोड़ा शर्म करो कि मतलब झूठ पे झूठ बोलोगे लेकिन अपने को बनाने का संकल्प नहीं करोगे। बेहतर है एक संकल्प कर लो, सही बात है उंगली उठी है मतलब कहीं फॉल्ट है, आज के बाद मुझे और सतर्क रहना है और सावधान रहना है, और कबूल कर रहे हो गुरु के पास कि मेरे से गलतियां हुई, फिर उसके बाद दूसरे पे चढ़ने का मतलब ही नहीं, झूठे पर्दे डालने की क्या जरूरत है, झूठ बोलने की क्या जरूरत है, जो किया आसक्ति वश, जो किया स्वभाव वश, मजबूरियां नहीं कहते उसको, जानते हो तुम भी, फिर तो जब तुम जान ही रहे हो कि तुम्हारा फॉल्ट है, और जब कोई ज्ञान सुनता है, देखो सुना सबने हुआ है, चाहे कोई रेगुलर आता है या इरेगुलर है या कोई कहीं भी जाता है, ज्ञान क्या है सबको पता है, तुम बेवकूफ नहीं बना सकते किसी को भी, चाहे दुनिया के लोग ही हैं ना, कोई आता है या नहीं आता, सत्संगियों के लक्षण सबको पता है, हर एक व्यक्ति जानता है, एक व्यक्ति कभी सत्संग से होके भी ना गुजरा हो, मंदिर भी ना गया हो, पर अगर उसको ये पता है ना तुम सत्संग जाते हो, तुम्हारा एक भी जगह अड़ना, भिड़ंत जरा सी बात की भी, चाहे एक छोटी सी बात की भिड़ंत हो कि तुम्हें कोई मना कर रहा है ये सामान तुम मत ले चलो, तुम कह रहे हो नहीं मैं तो रखूंगा ये चाहे कुछ हो जाए, इतनी सी बात भी ना, अगला समझ जाएगा कि सत्संग जाके तुम नहीं सुधरे, अगला समझ जाएगा, तुम सोच रहे हो मैं बहुत सियाणा, मैं बहुत होशियार, मैं अपनी चला लेता हूं, बेवकूफी है। जब तक तुम अपने फॉल्ट जानते हो, दूसरों के मुंह बंद करने की कोशिश मत करो, अव्वल तो होगा नहीं किसी का मुंह बंद, मान लो हो भी गया तुम्हारी तो गलतियां वहीं की वहीं रहेंगी, तुम्हें तो ये विचार करना चाहिए कि मेरे गलत आचरण के कारण मैं कितनों के मन चला देता हूं, कितनों का दोषी हो गया, गुरु का दोषी हो गया, ये विचार होना चाहिए। ले सको तो किसी से माफी लो कि मैं गलत आचरण करता हूं,
लेकिन मन सोचता है मैं अगले को सफाई दे के पर्दे डाल के काम बना लूंगा, अपने आप को सही सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इधर वाले से बच के कहां जाओगे? अंदर वाला माफ कर देगा? और अगर तुम्हें अंदर वाला अलाउ करता है ये सब, फिर तो तुम्हारा कॉन्शियस जागा ही नहीं है, विवेकहीन हो बिल्कुल। अगर अंदर वाला तुम्हारा झूठे पर्दे डाल के और खुश रहता है, सोचता है कि मैं अपनी गलती को छिपा लेता हूं, मैं बड़ा समर्थ हूं, चार बातें बोलूंगा अगले को चुप करा दूंगा, लेकिन सच तो कुछ और है, तो ऐसे में चित्त निर्दोष नहीं होता। निर्दोष चित्त की लक्षणा है कि अगर उसके लिए कहीं से उंगली उठ भी रही है, वो झट अपने को संवारने में लग जाएगा। और आपने ये मिसाल स्वामी राम तीर्थ के भी सुने और भी बड़े बड़े महापुरुषों के सुने कि अगर उनके लिए किसी को कुछ लगा, उन्होंने तुरंत अपने को बना लिया। तुम्हें बात बताई थी कि एक बार कोई गीता भगवान के समय के पुराने, प्यार लेकिन गुरुजी से भी बहुत था, सुना गुरुजी से ही था, वो आए थे गुरुजी के पास रहने के लिए लखनऊ में। तो भाव आता है, प्यार आता है, मन में आया, सिंधी थे वो भी, हम कोकी बना के खिलाएंगे कल गुरुजी को नाश्ते में, बहुत अच्छी बात है, बना देना। सुबह उनका नाश्ते का समय हो गया और वो आई नहीं, और वो अपना ऊपर बैठ के सबको गीता भगवान की बातें बता रहे, छत पे बैठे, मौसम अच्छा था। भगवान ने बुलवाया, भाई नाश्ता बनाना था, कहाँ गई, आई नीचे। तो उन्होंने थोड़ा सा जोश कर दिया, और जोश में भी उन्होंने यही बोल दिया, तुम तो बैठ के गीता भगवान की बातें कर रही हो और यहाँ रोटी तेरा मुर्स पकाएगा, मुर्स बोलते हैं लोग पति को। खैर उसने फटाफट बना तो दिया, खाया इन्होंने, लेकिन बाद में बुला के उसको सॉरी बोला गुरुजी ने कि हमने तुम्हें गुस्से में ऐसे कह दिया, यकीन करने की बात है लेकिन ये सच्ची बात है। इतने निर्दोष चित्त वाले होते हैं महापुरुष। हालांकि अगर वो चाहें तो गुरु हैं, कह दिया तो कह दिया, कितने आराम से किनारा कर सकते हैं, लेकिन उनको बुला के प्यार भी किया, सॉरी भी बोला। ये बातें कोई याद नहीं रखता। गलत होने के बाद भी हम दूसरों पे चढ़ना चाहते हैं, गलत होने के बावजूद भी हम दूसरों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। और आज तुम तो कर दोगे ये काम, सोचो अगर अगला भी इस सत्संग में बैठा होगा, वो गलत चल पड़ेगा ना तुम्हें देखा देखी, वो कहेगा ये तो गुरु के पास भी बैठा है, इसका ज्ञान ज्यादा सही होगा। वो सही चलता हुआ भी गलत ट्रैक पे आ जाएगा तुम्हारे कारण। तुमने तो अपना झूठ भी सच बना लिया, अपनी गलतियां करके भी अपने को सही साबित कर लिया, और अगले का बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी तो सच्चाई हमारे जीवन में हो कि हम अगर कहीं गलत हैं तो चलो रिएक्ट ना करो, चुपचाप अपनी गलती अंदर अंदर स्वीकार करके बना लो अपने को, इतना तो कर लो कम से कम। लेकिन उसमें भी मन सोचता है नहीं, अगर कोई मुझे गलत कह रहा है ना, मैं एक बार जरा उसकी गर्दन पकड़ के और अपनी सफाई दे देता हूं, फिर देखी जाएगी। लेकिन तुम्हारा ये कर्म कितनी दूर तक गलत हो सकता है ये विचार करो, और फिर तुम्हें हैबिट कितनी गलत पड़ जाएगी, गलतियां करोगे और झूठ बोल बोल के अपने को सिक्योर करते रहोगे, तुम्हें कितनी गलत आदत हो जाएगी। एक चोरी करेगा इंसान तो एक समय तो फिर डाकू बनेगा ही ना, अपने को कितनी गलत हैबिट डाल रहे हो। और हम लोगों को भगवान एक बात बोलते थे सत्संग में भी, जो सत्संग सुनने आते हैं ना सत्संगी, समझो ये भी कभी तुम्हारी कोई बात पकड़ लें, ये भी तुम्हें कभी कह दें कि तुम्हारी ये वाली बात हमें सही नहीं लगी, या ये तो ज्ञान के अकॉर्डिंग नहीं थी,
भगवान बोलते थे सचमुच अगर तुम्हें लगे ना तुम गलती कर गए हो, तुम इनके आगे भी अपनी गलती मान लेना, कह देना हाँ हमसे हो गई भूल। लेकिन कभी ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करके पर्दे मत डालना, ये कभी नहीं करने का है। ये फॉल्ट और भी ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है, और ये कभी खिलने नहीं देगा क्योंकि जड़ में कीड़ा लग गया। जड़ में तो कीड़ा लग गया ना हमारे, अब हम खिलेंगे कैसे, अब हम उठेंगे कैसे, अब हमारे चेहरे पे वो खिलावट कैसे आएगी। एक फूल भी तब खिल सकता है, फल भी तब आ सकता है अच्छा, जब जड़ को कीड़ा ना हो। जहां जड़ में कीड़ा होगा वहां तो सारे पेड़ का काम खराब हो जाएगा ना। तो हमारे अगर सूक्ष्म मन में कोई फॉल्ट होगा इस तरह का तो बहुत नुकसान में चले जाएंगे। हमेशा सतर्क रहना होता है, जागृत रहना होता है, अपने प्रति सावधान। मेरा एक एक कर्म, मेरे को क्या मूल्य चुकाना पड़ जाएगा इसका, ये ध्यान में रखना होता है। अभी तो जरा सी बात बना लेंगे हम, लेकिन मूल्य कितना चुकाएंगे फिर इसके पीछे, नुकसान में कितने चले जाएंगे हम इसके पीछे, हम गलत कितने ट्रैक पे बढ़ जाएंगे इसके पीछे। इसीलिए बी केयरफुल। तो ध्यान रखना है, जहां हमको गुरु फॉल्ट बताता है, कोई और भी पॉइंट आउट करता है, अपने को तुरंत बना लें। इससे क्या होगा, तुम्हारा चित निर्दोष होता जाएगा, एक 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 दोष खत्म होता जाएगा और तुम्हारे जीवन में खिलावट आ जाएगी। क्योंकि कई गलतियां ऐसी हैं जो हमें नजर नहीं आती, हम उस समय बहाव में बह जाते हैं, लेकिन जब कोई पकड़ लेता है, समझ आ जाता है, तो फिर परेशान होने वाली बात नहीं रह जाती। तो इसीलिए ज्ञानियों के, ब्रह्मज्ञानियों के चेहरे हमेशा शोभायमान, ओल्ड एज में भी शोभायमान। तुम अपने यहां पर ही देखो, जितने लोग ओल्ड एज के भी आते हैं उनके भी चेहरे कैसे खिले हुए, रस भरे चेहरे हैं सबके। कोई बुढ़ा लगता है तुम्हें यहां पे? कोई बुढ़ा लगेगा ही नहीं। बात करो, बैठ जाओ, तुमसे ज्यादा जवान है, तुमसे ज्यादा विचार उनके जवान है, दिल उनकी और जवान है। कहीं जाने को हम कहते हैं, देखो बुजुर्ग लोग पहले हाथ उठा देंगे, अरे ठंड है, पहाड़ है, बोलते हैं कुछ नहीं होता, आप साथ हो, है किसी के अंदर परेशानी? ये बोला गुरुमुख, कदी ना बुढ़े हुए, ये कभी बुढ़े नहीं होंगे। क्यों? इनके अंदर भगवान का वास है। अब मिला के देख लो, एक अज्ञानी व्यक्ति से चेहरा मिला के देखो, ज्ञानवान का, भक्तिवान का। अपने घरों में देखना, तुम्हारी बहुएं होंगी ना, फेशियल करा के भी इतनी अच्छी नहीं लगती हैं जितने तुम बगैर फेशियल के अच्छे लगते हो। उनके चेहरों पे वो मुस्कुराहट नहीं, नकली मुस्कुराते हैं। और आप लोग अपनी मुस्कुराहट देखो, असली हंसी, बनावटी हंसी तो हम हंसते ही नहीं किसी से, हंसते हो बनावटी हंसी? कोई सामने आ जाए, क्या आपके पास बनावटी हंसी भी होती है? नहीं, सबको दिल से प्यार करते हो, दिल से स्वागत करते हो, दिल से खुश होते हो सबको देख के। देखो जरा अंदर अपने, कैसा, जो ज्ञान के मार्ग पर चले, भक्ति के मार्ग पर चले, कैसे उनके चेहरे शोभायमान हो जाते हैं। क्योंकि अंदर से खाली हैं, भगवान के सिवाय भीतर कुछ है नहीं, और रंगे हुए भक्ति के रंग में, रंगे हुए प्रेम के रंग में, तो कोई उलझन है ही नहीं ना जीवन में। तो हमेशा शोभा पाते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं। कैसी स्थिति आ जाए तो भी देख लो, कल परसों भी कोई आए थे, अभी ट्रेजेडी हुई उनके घर में, यंग दामाद की डेथ हुई, लेकिन ऐसे मुस्कुराते हुए मिले आकर के। हम बाद में कह रहे थे कि ज्ञान का ही तो प्रताप है, नहीं और कुछ नहीं तो इंसान लोकारित में ही थोड़ा मुंह टेढ़ा करके आता है, लोग क्या कहेंगे। अभी कल तो चौथा करके आए दामाद का, और अभी इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। और फिर जब खुद मुस्कुरा सकते हैं, खुद बोल्ड हो सकते हैं, बच्चे को भी ताकत दे के बैठे, तो ये कितना फर्क पड़ता है
ये सत्संग का प्रभाव देखो, ज्ञान का प्रभाव देखो, इस भक्ति का प्रभाव देखो, एक नव जीवन। बल्कि आप देखोगे रोज महसूस होता है जैसे नहीं अपनी जिंदगी तो शायद खत्म कर चुके थे, रोज भगवान एक नया दिन बख्श रहा है अपनी कृपा करके और उसको बहुत अच्छे से जिया भी रहा है। अगर हमारी जिंदगी होती तो ये रो रहे होते, चारपाई पे पड़े होते, पर ये ग्रेस मार्क मिला है। अपने आप को ही देख के सवेरे सवेरे आईने में देखो खुश हो जाते हो, अपना दर्शन ही भगवान का दर्शन हो गया है, ये कितनी कृपा है। और नहीं तो इस समय बैठ के चारपाई पे पड़े होते, रो रहे होते, ये पूछता नहीं, ये ऐसे नहीं करता, वो ऐसे नहीं, पता नहीं क्या क्या रोने होते। और अभी तो लगता है कोई पूछे क्या जरूरत है, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, हम फर्स्ट क्लास सुबह उठ के सत्संग पहुंच जाते हैं 9 बजे तक, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब कितना अपने में कॉन्फिडेंस, खुनकी, आधार लेने की जरूरत नहीं किसी के। देखो चलते भी हो, कई बार हम देखते हैं उठ के वॉशरूम वगैरह जाते हैं ना, आगे वाले हाथ पकड़ाते हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए हाथ हमको, नहीं सीधे निकलते हैं, ना पिलर पकड़ना है ना कुछ पकड़ना है, सीधे निकलते हैं, जरूरत ही नहीं। कैसे चल रहे हैं, भगवान के आसरे। किसकी खुनकी है, भगवान की। अंधे की लाकड़ी तू ही जीवन उजियारा, मेरे भगवान तू ही तो मेरा सहारा है। कैसे पावर आ जाता है, दूर दूर से सब आते हैं, कोई मेट्रो बदल के, कोई कैसे कैसे आ रहे हैं सब, कौन सी शक्ति ले आ रही है, कौन से टॉनिक ज्यादा खा रहे हो। घर के लोग उल्टा बोलते हैं, बहुएं बोलेंगी पोते, अरे बाबा तुम धन्य हो रोज जाते हो, हम तो हफ्ते में एक दिन ना जाएं, तुम लोग धन्य हो, खाते वो हमसे ज्यादा होंगे लेकिन एनर्जी लेवल नहीं है। और अभी आप सबके अंदर कितना एनर्जी लेवल है, कितनी शक्ति है, क्योंकि दिल साफ है ना। और जैसे आप देखते हो, एक आईने के ऊपर सूरज का प्रतिबिंब डालो, सूरज को देखना आसान है, आईने वाले को देखना मुश्किल है। ऐसे दिल हो गया आईने की तरह साफ, अब छलकता है भगवान, इसीलिए कोई दुविधा होती नहीं, कोई परेशानी होती नहीं, इसीलिए चेहरा हमेशा मस्ती वाला, मौज वाला। एक आती है माता जी, वो बेचारी बताती है, कहती है मेरी बहू, कहती है ये बुढ़ी तो दिन को देखो रात को देखो धमकती है, कहती है वो मेरे को देख के ही कुड़ती रह जाती है, कहती है मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं कोई मेकअप नहीं करती, कुछ नहीं करती, इतनी बुढ़ी है, होएगी 75-80 की कम से कम, लेकिन ठीक है भगवान ने शरीर से भी स्वस्थ रखा हुआ है और सत्संग की भी खुनकी है। तो कहती है मेरी बहू सारद, कहती है इसको तो आधी रात को भी जगा दो, तो ऐसे दमक रही होती है, पता नहीं क्या खा के सोती है। कहती है मैंने कहा कैसेट सुन के सोती हूँ, और तो कुछ खा के ही नहीं सोती, भगवान की गोद में सो जाती हूँ, तो कभी रात को दिक्कत हुई होगी, तबीयत खराब हुई उसकी या क्या, तो जगाना पड़ा, तो फिर भी मुस्कुराती हुई पहुंची, धीरज दिया, चाय वाय बना के दी, डॉक्टर के पास ले गई साथ। तो कहती है इसको तो देखो हर टाइम एनर्जी है, रात को भी इसको एक उबासी ही नहीं आती, रात को भी इसका मुंह ऐसे ही नहीं पिचकता जरा से, ऐसे खिली हुई आई, 2 घंटे बैठी, सब कर गई और फिर गई, फिर सुबह उठ के सत्संग चल दी। अब ये दुनिया वाले नहीं समझेंगे, ये तेरा नूर है जो पड़ रहा चेहरे पर, वरना हमें कौन पूछता अंधेरों में, हमें किसने पूछना था अंधेरों में, पर तेरा नूर है जो पड़ रहा चेहरे पर, मेरे भगवान का नूर है जो चेहरे पे पड़ रहा है। कितनी इंटरफेयर मैंने करना बंद कर दिया, जो मांगा सब दे दवा के अपनी छुट्टी कर ली, कहती इसको असर ही नहीं होता किसी चीज का, अगले सोचते हैं इनको दुखी करें, ऐसा मांगे वैसा मांगे, कमरा छीन लें, ऐसा कर लें, कहती लास्ट में बोलती इसको असर नहीं होता किसी चीज का, बेअसर है, बिल्कुल बेअसर है। हमारी भी माँ है बेचारी, सारा दिन परेशान होती है अपने बहू बेटे से, और इसको देखो कोई असर ही नहीं,
कवच पहना दिया गुरु ने। जो बुढ़ापा रोने में बीतता, दुखी होने में बीतता, गुरु ने ऐसा सुंदर कवच पहना दिया है, मस्ती में रहते हैं अपना। बोले हम परवाह ही नहीं करते, वे पहले किलकिल थी, क्या बनाया है, रोटी किससे देगी, कितने बजे, बोले अब मस्त बैठे रहते हैं। देर भी कर दे रोटी को, दो बिस्किट खा के पानी पी लिया, आ जाएगी कोई बात नहीं। पूछा कभी नहीं क्या बनाया, जो आता है भोग प्रसाद समझ के खाया और किनारे हो गए, कोई आवाज ही नहीं। लोग तो सोचते पता नहीं काहे से मस्त हैं ये लोग, ये गुरु ने स्वभाव वश कर दिए, अंदर हिम्मत भर दी। और जब खुश रहेगा कोई हर समय, चेहरा तो शोभायमान होगा ना, क्या किया जाए। अब चाहे ज्ञानी को तुम अस्पताल में देखो या देखो कब्रिस्तान में, शमशान घाट में भी देख लो तुम ज्ञानी को, मुस्कुराता हुआ ही मिलेगा, क्या करे, मामू बना के थोड़ी खड़ा हो जाएगा। वहां भी शुक्राने मानता है, शुक्र है भगवान का, इतना तो साथ दिया उसने, ये भी शुक्र है। हर समय शुक्र अदायगी, हर समय अच्छे विचार, पॉजिटिविटी, तो एवर स्माइलिंग फेस तो अपने आप हो जाएगा। सच्चाई की लिपस्टिक लगा ली है, जो सच बोलता है हर समय, सच्चाई की लिपस्टिक है, बाहर की लिपस्टिक चाहिए नहीं, बाहर का कोई मेकअप चाहिए नहीं। हमारा सत्संग सबसे बढ़िया पार्लर है, और ऐसा मेकअप हो जाता है यहाँ पे बढ़िया ओरिजिनल, अंदर के नूर को गुरु प्रकट कर देता है। वहां तो फिर भी वो बाहर से क्रीम लगाएंगे, कुछ करेंगे, और फिर थोड़ी देर में तो मालिश पालिश उतरने वाली है सारी। देख लो तुम, गर्मी होती है ना, एसी हॉल, तभी तो रिवाज बने एसी हॉल, दुल्हन का मेकअप बहना शुरू हो गया था। पर आजकल वो कोल्ड मेकअप करते हैं, ठंडा वाला जमा रहे, कहते हैं 6 घंटे चल जाएगा, लेकिन जल्दी करते हैं उसमें भी, जल्दी जल्दी इसकी जयमाला वगैरह करा लो, नहीं काम खराब हो जाएगा। और फिर क्या से क्या बना तो दिया उन्होंने, लेकिन असलियत आ गई सामने, तो वो आदमी बेचारा बैठा था, गया था बीवी के साथ, आजकल तो यूनिसेक्स सैलून हो गए ना, थोड़ी देर में एक लेडी आई, उसका हाथ पकड़ के दबाया, आओ चलें, बेचारा पसीने पसीने हो गया, बोला बहन जी मेरी बीवी यहाँ मेरे साथ आई हुई है, आप मेरे को क्या कर रहे हो, बोले मैं ही हूँ, चल। तो हालत तो ऐसी बदल देते हैं, लेकिन जब 6 घंटे बाद वो मेकअप उतरेगा फिर क्या होगा। एक लड़का सुहागरात वाले दिन बाहर भागा, माँ 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 हमारे साथ धोखा हो गया। माँ ने बोला क्या हुआ, बोला ये लड़की वो नहीं है जिससे मैं शादी करके आया था, इतनी सुंदर लग रही थी, वो चुप कर मैंने मुंह धुलवाया। मुंह धुलवाने से असली सीरत सामने आ गई। तो वहां के मेकअप की तो ये हालत है, थोड़ी देर में कुछ और निकल आएगा बाहर। लेकिन यहां का मेकअप कैसा है, जो खुदा असली तेरे अंदर बैठा है, गुरु उसका नूर प्रकट करता है। और ये ना दिन में उतरे खुन की, ना रात में उतरे। तुम देख लो, कभी कभी गालियां खाते होगे घर में, बच्चे भी कभी फोन करते हैं, बेटियों को कोई दुख सुख हो गया, माए ना फिर मुस्कुराती हुई धैर्य से, तुम माँ भी हो, मम्मी हमें शक पड़ता है तुम माँ हो, ऐसा भी सुनते हैं बेचारे सत्संगी भाई, हैं माँ ही हैं, लेकिन अधीरज होने से क्या होगा। एक लड़की तो बोली मेरी सास ने पूछा है मेरे से, तेरी असली माँ है, हॉस्पिटल तुझे देखने आई है, पर उसको बिल्कुल ऐसे जल्दी जल्दी नहीं, सहज चल के आई, सहज तेरे को देखा, सहज मुस्कुरा रही है, उल्टा ज्ञान की बातें सुना रही है, माँ तेरी असली थी है, शक हो गया उसको। क्यों, दुनिया के लोग सोचते हैं इतना धैर्यवान कोई हो नहीं सकता, इतना स्माइलिंग फेस कोई हो नहीं सकता। अब उनको क्या पता इस स्माइलिंग फेस के पीछे हमारे गुरु की कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत है, एक एक विकार हमारा चिमटियों से चुन चुन के निकालना कम मेहनत है। जैसे कहते हैं ना कृष्ण ने भाई सुदामा के कांटे मुंह से निकाले, उसके पैर के कांटे, क्या हम सब के कृष्ण ने नहीं निकाले कांटे मुंह से, अभी इतना भगवान वाणी बोल रहे थे, कल इतना जबरदस्त दर्द वाला सत्संग था उनका, नहीं निकाले उन्होंने हमारे कांटे अपने मुंह से, उन्होंने भी निकाले।
हमारे गुरु की कितनी मेहनत है इसके पीछे, ऐसे नहीं हंसी आई किसी चेहरे पर, ऐसे नहीं मुस्कुराहट आई, कई तो ऐसे आए थे हंसना ही नहीं आता था, बिल्कुल सड़े सूखे, हर समय उलझे हुए, मुस्कुराना जानते ही नहीं थे। मुस्कुराना होता क्या है, मुश्किल से रहा रहा के हंसाना सिखाया, हंसो हंसो हंसो, हंसते ही नहीं थे क्योंकि उनको दुनिया में हंसने लायक कोई बात ही नहीं लगती थी। अपनी स्वभाव से सड़े रहना सारा दिन, हंसने लायक बात क्या है दुनिया में। और कईयों ने ज्ञान ओट डाला, इतने गंभीर हो गए ज्ञान पकड़ के, वो सुखदेव मुनि बनने चल दिए समाधि में सारा दिन, अष्टावक्र मुनि बनने चल दिए, उन तो ऐसे रहेंगे ज्ञानी ज्ञानी। ओहो, ज्ञानियों के भी लबादे उतारो भाई, बड़ी मुश्किल से ज्ञानियों के कवर उतरवाए। हाँ, ज्ञानियों के लबादे नहीं उतरते थे, मैं ज्ञानी ज्ञानी है तो नॉर्मल रहे, अकड़ने की क्या जरूरत है, ज्ञानी है तो ज्ञानी है तो ऐसे सड़ने की क्या जरूरत है। मुस्कुरा, प्यार से बात कर, हंस, कई ज्ञान के बाद अजीब से शुष्क हो जाते हैं, ना हंसेंगे ना बात करेंगे ना मुस्कुराएंगे, मैं ज्ञानी मैं ज्ञानी, तो ऐसे सूखा सड़ा ज्ञानी किस काम का। रसदार होना चाहिए, रस होवे तुम्हारे अंदर। एप्पल खाते हो रस वाला कितना अच्छा लगता है, मैंगो काटते हो रस वाला कितना अच्छा लगता है कि नहीं। और तुम कैसे हो, एकदम शुष्क रूखे, ऐसे नहीं बनना कभी भी। तेरा चेहरा भगवान का चेहरा है, भगवान की कृति है तुम, इस चेहरे को हमेशा खूबसूरत रखो मुस्कुराहट से, और किसी चीज से खूबसूरत नहीं होगा, चार क्रीमें लगाने से भी नहीं होगा, पर मुस्कुराहट से। सुकरात बड़े कुरूप थे लेकिन इस ज्ञान ने उनको ऐसा बना दिया कि लाखों लोग फिदा हुए उनके ऊपर, उनकी मुस्कुराहट पर लाखों लोग फिदा हुए, क्योंकि ज्ञानी की निर्दोष मुस्कान, अंदर कुछ है नहीं तो मुस्कान भी निर्दोष, ना तो व्यंग्यात्मक मुस्कान है, ना किसी का मजाक उड़ा रहा है, ना हंसी कर रहा है, ना किसी को कम समझ रहा है, निर्दोष मुस्कान, सब में भगवान देख के भगवत दर्शन करके खुश हो जाता है। तो कैसी मुस्कान है, निर्दोष, कोई देखे तो खुश हो जाता है देख के, भाई जैसे आज तो भगवान का दर्शन कर लिया, एक मुस्कुराहट मिल जाए गुरु की, ऐसे लगता है पता नहीं क्या मिल गया, इम्तिहान देने जा रहे हैं, एक मुस्कुराहट मिल जाए गुरु की, लगता था आज तो अच्छा ही होगा पेपर, हम तो पढ़ते थे ना जब आए थे, एक मुस्कुराहट ही बस होती थी, एक फोन पे बात हो जाती थी, भगवान आज पेपर है तो क्या हुआ, तूने लिखना है क्या, भगवान को लिखना है, तू तो कलम पकड़ना वो लिखेगा, ऐसा दो वर्ड्स बोलते थे, ओहो सारी घबराहट खत्म, पेपर की उड़ते हुए जाते थे पेपर देने, रिजल्ट आता था तो वो फिक्र करते थे, हमारा 12th का रिजल्ट निकला, गुरु पूर्णिमा का दिन था, रिजल्ट आया जब जुलाई में आया था, और हम हाउस खास सत्संग करने गए, कंबाइंड सत्संग रखा था, भगवान ने वहां भेज दिया मुझे, हम वहां सत्संग करने गए और वहीं फोन आने लगे गुरुजी के, आज 12th का रिजल्ट आ रहा है, मैं तो यहां हूं अभी जाऊंगा घर तो पता चलेगा, शाम को आना है शायद, 10 फोन आ गए उनके रिजल्ट आने तक, पहरे ते पहलवान, या पहरे पे पहलवान बैठा है, वो मेरी मुस्कुराहट क्यों खत्म होने देगा, घबराहट होती जो रिजल्ट की, चेहरे पे हंसी आती जाए, इनको कितनी फिक्र हो रही है, कितनी संभाल कर रहे हैं, और एक एक सत्संगी भी बोले तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि हम सत्संग कर रहे थे जब फोन आया, किसी के लैंडलाइन पे आया जिसके घर थे, वो बार बार मुझे देखे, उनका पता नहीं क्या हुआ क्यों देख रहे हैं इस तरह से, जैसे ही वाणी को विराम दिया वो दौड़ती आ गई, भगवान का फोन आया था आपका रिजल्ट पूछ रहे थे, मैंने कहा मैं तो यहाँ हूँ रिजल्ट उधर आएगा अभी मेरे को क्या पता, फिर थोड़ी देर में फोन आ गया, भजन में फोन आ गया, और जब तक हम शाम को यहाँ पहुंचे फिर ऑटो करके भागे, आना बस से था, भगवान बोले ऑटो करके जल्दी जा रिजल्ट आ जाएगा उधर तेरे पहुंचते तक, तो हम ऑटो से उतर रहे तो डैडी इधर से जा रहे थे स्कूल ही पता करने की, ये तो है नहीं मैं ही पता कराऊं जाके रिजल्ट इसका, वहीं रस्ते में हम भी मिल गए, इकट्ठे गए, फिर इतना मजा हुआ वहां गए रिजल्ट देखने,
जहां मेरा रोल नंबर आता वहां से फटा हुआ कागज, तो भी घबराहट नहीं हुई। ये बोले पता नहीं रह तो नहीं गया होगा, ऐसा तो नहीं होगा। मैंने कहा नहीं होगा, कुछ नहीं है, वो फटा हुआ है, कोई ये थोड़ी कि नंबर है नहीं। ऑफिस में चलते हैं पूछते हैं, ऑफिस में तो पूछने गए, वो तो जो क्लर्क थे वो भी मुझे जानते थे, वो तो सीट छोड़ के खड़े हो गए, इनको बधाई देने लगे, आपका बच्चा तो स्कूल में ऐसे टॉप किया इसने, फर्स्ट जो था शायद उसका मेरा आधे के एक नंबर का डिफरेंस था, तो बोला हम तो टॉपर ही मानेंगे इसको भी, नहीं तो सेकंड तो है ही। वो इतना खुश होने लगा, बधाइयां देने लगा, रस्ते से ही पीसीओ से गुरुजी को फोन मिलाया, वो भी चाय पी रहे थे, जैसे ही बोला उसका फोन है सीधे भागते आए फोन पे, हाँ क्या हुआ? उनका जो आपने किया वो हो गया, हुआ क्या, मैं इतने परसेंट आए। उस समय वो परसेंटेज बहुत मानी जाती थी हम लोगों के टाइम, अब तो 90-95-100 तक पहुंच गए, हम लोगों के टाइम बहुत मानते थे, डिस्टिंक्शन आ जाए सारे सब्जेक्ट्स में, डिस्टिंक्शन एग्रीगेट हो जाए तो बहुत मानते थे, कितनी परसेंटेज 75-76% आ जाए तो बहुत मानते थे, क्योंकि आते ही नहीं थे, टॉपर बच्चों के होते थे बस। इतने खुश हुए भगवान, इतने खुश हुए, बधाई देना, घर में सबको मुबारक देना, और सब सोचते थे क्योंकि ये तो सत्संग जाता है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा, लेकिन भगवान बैठे थे पहरे पे, भगवान बैठे थे संभालने में। तो जिसका राखा बैठा है, जिसदा साहिब डाडा होए तिसनु मारना साके कोए, जिसका साहिब इतना डाडा बैठा हो फिर उसको किसकी चिंता, किसकी परवाह। सोसाइटी में हम 15 बच्चे, हमारी सोसाइटी में 15 बच्चे, सेम क्लास सेम कोर्स, 15 स्टूडेंट्स थे अलग अलग स्कूलों के। हमारे घर में सत्संग होता था शाम को, तब हम जेंट्स का करते थे शाम को 7:30 बजे, सत्संग हो रहा था तो एक प्रोफेसर थे सोसाइटी में, वो आ गए, 14 बच्चों का रिजल्ट नोट करके आए थे, बार बुलाया, हाँ जी सत्संग हो रहा है हमारे घर, तो कैसेट चल रहा था, उसको छोड़ रिजल्ट बता बेटे अपना, आ गया तू पास हो गया कि नहीं। उनको इतनी घबराहट थी, मैं पास नहीं हो गया, मेरी तो इतनी परसेंटेज, वो तो अक्के बक्के बैठ ही गए, हमारी घर की सीढ़ी में बैठ गए। वो बोले ये तो जो 14 बच्चे दिन रात पढ़ाई करते थे, मैं सोचता था तेरे नंबर इन सबसे कम आएंगे, तूने तो सोसाइटी में भी टॉप कर लिया, उनसे भी तेरे 15-20% ज्यादा ही है सब बच्चों से। इतना उस समय गुरु का कद्र होता था, सब बोलते थे रह जाएगा, और भगवान बोलते थे अगर सत्संग ना किया तो रह जाएगा। 12th के एग्जाम और 3-3 टाइम सत्संग, और घबराने नहीं देते थे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबराने देते थे, तू खुश रह, तू देख 2 घंटे भी पढ़ेगा ना 10 घंटे वाली पढ़ाई हो जाएगी, तू 2 घंटे भी पढ़ेगा देखना तेरा चित्त इतना एकाग्र है तुझे बिल्कुल उलझन नहीं आएगी। वो उनको बड़ा विश्वास था, और बीच बीच में इंजेक्शन ये भी ठोक देते थे, देख मेरी बेइज्जती मत कराइए सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, दोनों तरफ से अलर्ट रखा। हाँ जब खुद आ गए तो पेपरों के दिनों में आ जाते थे, फिर छत पे बुक्स लेके मेरे सामने बैठ जा, वो धूप सेकते रहते थे, मैं पढ़ता था वहां बैठ के, नीचे हॉल में पढ़ाई करता था। कम गुरु कहीं से नहीं रहने देता किसी को, अगर कोई बात मान के चल पड़े, हमने ये देखा, कोई मौका ही नहीं आता उदास होने का, निराश होने का, अपनी मुस्कुराहट खोने का, क्योंकि उनके प्यार में जिंदगी बहुत अच्छी चलती है, उनके वचन मानने में कभी घाटा नहीं होता, गुरु के अनुसार चलने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, हमेशा आनंद बना रहता है, हमेशा। आज तक याद नहीं उन्होंने एक सत्संग भी छोड़ने दिया, और जितनी पढ़ाई करी हमने सत्संग के बाद 8th-9th से लेके उनके पास आए, जितनी पढ़ाई करी एक दिन सत्संग मिस नहीं करने दिया, चाहे पेपरों के दिनों में आ जाते थे खुद, अरे 15 दिन बाद एग्जाम है भगवान आ गए, तो भी ना साथ कम किया ना कुछ, हर चीज भरपूर।
लेकिन कृपा रहती थी उनकी, और एक ही बात बोलते थे, कुछ नहीं सोचना, कोई भार नहीं उठाना, उदास नहीं होना, तेरा कम करे कर तार, भगवान बैठा है तेरे लिए। तो ऐसे ही लगा योगक्षेम का भार जैसे उन्होंने उठा लिया, बस कोई छोड़ने वाला चाहिए। हमारी हंसी कब गुम होती है? जब हम कर्ता भाव में आते हैं। हमारी मुस्कुराहट कब गुम होती है? जब हम अपने लिए खुद सोचने लगते हैं। हम परेशान कब होते हैं? जब हमें लगता है मैं ना करूंगा तो कौन करेगा। देखो, जब जब भार उठाओगे हंसी गुम हो जाएगी, लेकिन जब भगवान पे रख दोगे हंसी गुम नहीं हो सकती। तभी तो अर्जुन सो रहा है टांग पे टांग चढ़ा के। अरे अर्जुन, तेरे मारने की प्रतिज्ञा हो गई है और तू टांग पे टांग चढ़ा के सो रहा है? बोला, हाँ मेरा रक्षक जो जाग रहा है। जब आप जग रहे हो तो मैं क्यों ना सोऊं? आप जग रहे हो ना, बस काफी। और हर स्थिति में जीवन में देखा हमने, उन्होंने संभाल करी। इनका ऑपरेशन हुआ डैडी का, बाईपास का, उस समय तो काफी मेजर ऑपरेशन माना जाता था, आजकल तो आम हो गया। डॉक्टर भी नोन थे, सत्संगी थे वो भी। मेरी बात होए ना होए, सवेरे सवेरे गुरुजी का उनके डॉक्टर के यहाँ फोन आ जाता था। वो अपना राउंड लेके आते थे, पहले गुरुजी को हालचाल बताते थे, मैं बाद में मिलता था। और मुझे कब पता चला, मैंने एक दिन ऐसे ही बोला, मैंने कहा मैं जरा गुरुजी से बात कराऊं, फिर मेरी बात नहीं हो पाती, वो सत्संग में बैठ जाएंगे। तो हंसने लगे, बोले मेरी तो रोज होती है। मैंने कहा आपकी रोज होती है? बोले हाँ, जब जितने दिन डैडी हॉस्पिटल में थे, बोले डेली उनका फोन आता है और मेरे से तबीयत पूछते हैं कि वो ठीक हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, सही है सब। और हमारा पूछते थे वो कहाँ खाता है, कहाँ सोता है, कहाँ रहता है। एक दिन खाली उसने बता दिया कि वो वेटिंग हॉल में नीचे जगह बना के वहीं सोते हैं। तो उसको बोले तेरा कोई रूम वूम नहीं है वहाँ पे? इतना बड़ा तू सर्जन है, डॉक्टर है, वहाँ पर तेरे को कोई रूम नहीं है? वो नीचे सोता है वहाँ पर। वो बोले मेरे को भी बहुत खराब लगता है गुरुजी, लेकिन मैं एक वो अरेंज करा पाया हूँ, वहाँ उनके मम्मी रहते हैं। वो बोले मेरे को आज डांट पड़वा दी आपने, खाता कहाँ पर है, ठंडा खाना तो नहीं खा रहा। वो बेचारा डॉक्टर रोज मेरे से पूछे, भैया आप कहाँ नहाए, आपने कहाँ खाया, मेरे को गुरुजी को बताना पड़ेगा सर। इतनी संभाल कौन करता? कोई भी नहीं करेगा। हद से हद भाई जान पहचान है, डॉक्टर से मिलवा देंगे, एक आध बार फोन पे बात हो जाएगी, बाकी तुम बता दो कोई दिक्कत है। और कह ही देते हैं कोई दिक्कत हो तो आप बता देना, लेकिन इतनी संभाल कौन करता है, इतना प्यार कौन करता है। फिर एक आध दिन तो शुरू में पता चला भाई सुबह ही आ जाते हैं, हम तीनों टाइम वही खाते हैं, गुस्सा किया हमको, इतने सत्संगी हैं, मरों को इतनी अकल नहीं है खाना लेके आ जाए दोपहर को, सुबह नाश्ता इन फलाने शहर वालों को बोल, दोपहर का फलानों की ड्यूटी लगा दे, एक एक करके आ जाएं, मिल भी जाएं, डैडी से भी मिल जाएं और खाना भी खिला के जाएं, तुझे गरम गरम लेके आए खाना। ऐसे करके इंतजाम कराया सारा वहां बैठ के। फिर लगता था करण करावन आप पे, आप हमको पता ही नहीं चला। हम 15-16 दिन हम लोग हॉस्पिटल थे, एक दिन नहीं पता चला हम लोग हॉस्पिटल में, मालूम ही नहीं पड़ा। घर काफी दूर था तो आना जाना संभव नहीं था, लेकिन एको दिन नहीं पता चला कि हॉस्पिटल में है, कोई दिक्कत है, कोई बात है। सब प्रेमी आ जाते थे उनकी कृपा से, कोई पैसे उठा के आ रहा है तो कोई खाना लेके आ रहा है तो कोई कुछ, सबको हाथ जोड़ते थे, नहीं चाहिए भाई, इंतजाम है हमारे पास, नहीं रख लीजिए कहीं जरूरत ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। जरा सा मौसम खराब होता था कोई घर से छाता उठा लाए, कोई शॉल उठा लाए, अरे नहीं चाहिए हमें ये सब। कितना सबने प्यार किया, किसकी बदौलत? गुरु के। तो जब जीवन में इतना कुछ पाके बैठे हो तो मुस्कुराहट उड़ेगी क्या? जब याद करोगे गुरु को, गुरु की मेहरबानियों को, गुरु के प्यार को, हर समय अंदर मन उनकी रहमतों से खुश रहता है, भीगा रहता है, आनंद में रहता है, और महसूस होता है तुमने मुझको प्यार किया है जितना, गुरु कौन करेगा इतना, तुमने मेरा साथ दिया है जितना, कौन करेगा इतना, कोई कर नहीं सकता था दुनिया में,
जितना आपने प्यार किया, अपना बनाया, साथ दिया, मेहरबानी की, अब बताओ कैसी भी जीवन में बात आ जाए, जिसको ये सब याद है, अंदर इतनी मेहरबानियाँ मिली हुई हैं भगवान की, उसकी झोली कभी तंग होएगी? उसकी झोली कभी छोटी होएगी? उसकी मुस्कुराहट कभी कम होएगी, ख़त्म होएगी? नहीं, वो हमेशा खुश रहेगा कि मैं तो अपने भगवान के पास लाड़ों में पल रहा हूँ। आज तक भी उनके लाड में पले हैं, अभी भी उनके लाड में ही पल रहे हैं, और विश्वास है वो ऐसे ही अपने लाड़ों में पालते रहेंगे। ये जीवन उनको समर्पित करके हम सौभाग्य हो गए। तो जैसे हमारे भगवान की मुस्कुराहट है, वही मुस्कुराहट उन्होंने हम सबके चेहरों पे ला दी है। सबको मुस्कुराना सिखा दिया, खुश रहना सिखा दिया, आनंद में रहना सिखा दिया। तो ये ब्रह्मज्ञानी की खासियत है कि उनका चेहरा हमेशा कमल के फूल की तरह खिला हुआ, उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ, हमेशा उनके चेहरे पे कांति, हमेशा उनके अंदर खिलावट जैसे निखार। ये एक खासियत है। कभी भी मिलो, कहीं भी मिलोगे तो एको दर्शन, एको भाव, वही का वही उनका स्माइलिंग चेहरा। तो ऐसा ही हमारा भी हो जाए।